नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः युवाम गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल श्रृंखला के अंतर्गत सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, चलिए तो उसी श्रृंखला में कंटिन्यू बढ़ते हुए आपके साथ एक बॉक्स पजल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की लाइन्स रीड करते हैं। मैं सिंपली आपको पहले क्वेश्चन की लाइन शो कर रहा हूँ, आप इन लाइनों को वीडियो पॉज करके पढ़ें, सॉल्व करें, और यदि आप विद इन टाइम सॉल्व कर पाते हैं, यहां पे अब आपका टारगेट होना चाहिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ आपके पास बेसिक क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप विद इन 1 to 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो आप अपने मोबाइल में टाइमर लगाइए और देखिए क्या 2 मिनट के विद इन आप इस पजल को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। इफ आप पजल का सॉल्यूशन विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हैं तब आपको स्पीड इंप्रूव करने की आवश्यकता है, और यदि आप पजल को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू आगे देखिएगा। क्लियर? तो आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को या फिर पॉज करके आप एक बार पजल को सॉल्व करें। ठीक, मैं जस्ट आपको कुछ सेकंड्स का समय दे रहा हूं ताकि आप पजल को पढ़ पाए। ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई पजल, देन आफ्टर सेम पजल का हिंदी ट्रांसलेशन आपके साथ किया गया है ताकि अंग्रेजी और साथ ही साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक, चलो एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी ने पजल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आपके पास लाइनें लिखी हुई हैं, 7 boxes which are, मतलब आपके पास कुल मिला के 7 box हैं, उनके नाम दिए हुए हैं S, T, U, V, W, X एंड Y। जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो यहां पे इन बॉक्सेस के नेम पढ़ने में आपको अपना समय नहीं देना है, डायरेक्टली 7 boxes हैं। कंटिन्यू आगे गए, एक स्टैक में रखे हुए एक दूसरे के ऊपर है, बॉटम वाला बॉक्स ऑटोमेटिकली इफ गिवन नहीं है तो 1 होगा, 1 के अबव आप 2 बोलेंगे, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए टॉप मोस्ट वाला जो आपका बॉक्स होगा उसको आप बोलेंगे बॉक्स नंबर 7। ठीक, तो इफ मैं इन बॉक्सेस के लिए एक स्टैक बनाऊं, एक टेबल बनाऊं, तो वो टेबल कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगी। बॉटम वाला बॉक्स लिया मैंने 1 के अबव 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपने ये टोटल 7 boxes के लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट की। तो जब भी बॉक्स पजल के क्वेश्चंस होंगे या फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करूंगा तो उस समय एक सिंपल मैं टेबल बनाता हूं, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल कनेक्ट कीजिए। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल में जितना वर्क आपका नीट एंड क्लीन होगा क्वेश्चन को आप उतना ही ईजी गोइंग स्मूथ वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे वर्क आपका काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो टोटल 7 boxes थे, 1 to 7 ये आपने लाइन कनेक्ट की। चलिए पहली लाइन आपसे बोल रहा है ओनली 4 boxes आर केप्ट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, मीन्स टी और डब्ल्यू के मध्य कुल कितने बॉक्स रखे गए हैं, 4। यदि टी और डब्ल्यू के मध्य 4 box रखे गए हैं तो आप टी को यदि 1 पे रखते हैं तो 4 box छोड़ के ऊपर आप डब्ल्यू को रखेंगे, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, W को 1 पे रखते हैं तो T आपका 4 box छोड़ के आ सकता है। ठीक, तो T और W के मध्य यदि 4 box रखे गए तो उसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे वो देखें टेबल में। तो T और W के मध्य 4 box रखने, मेरे को मैं नंबर 1 यहां पे T रख सकता हूं, यदि मैं यहां T रखता हूं 4 box को मैं छोड़ूंगा, मीन्स 2 3 4 और 5 छोड़ूंगा, तो टोटल 2 से 5 तक 4 box छोड़े, यहां पर आपके साथ W आएगा, या फिर इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है, आप यहां पे T को रखें और यहां पे आपके पास आएगा W। ठीक, T और W 1 और 6 पे पैटर्न बना रहे हैं तो साथ ही साथ दूसरी पॉसिबिलिटीज भी देखनी है, क्या बॉक्स पजल के जो स्टैक है उस स्टैक में T और W के लिए 1 और 6 के एक्सेप्ट कोई और प्लेस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया, तो इफ मैं T को 2 पे रखता हूं, इफ टी को 2 पे रखता हूं तो W आपका 7 पे कनेक्ट हो सकता है, और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि इफ मैं W को 2 पे रखूं तो अबव आपके पास T कनेक्ट हो सकता है। तो T और W के मध्य 4 box रखने के ये डिफरेंट पैटर्न बने। इफ मैं इस टेबल को स्प्लिट अप करूं तो ये आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ, ये आपके लिए ओवरऑल सेकेंड कॉम्बिनेशन हुआ। फर्दर फर्स्ट में आपके पास 2 combinations चल रहे हैं बिकॉज टी और डब्ल्यू आपके पास 2 locations लेंगे, इसी प्रकार सेकेंड में भी आपके पास 2 combinations चल रहे हैं। ठीक, तो टोटल
फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन है, और फर्स्ट और सेकंड में भी आपके पास दो कंडीशंस पैरेलल मूव कर रही है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसी प्रकार सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर यहां तक? तो आपने बेसिकली लाइन कनेक्ट की कि टी और डब्ल्यू के मध्य चार बॉक्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे कह रहा है ओनली टू बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू और वाई के मध्य आपको दो बॉक्स रखने। तो डब्ल्यू और वाई के मध्य दो बॉक्स रखने, सिंपली डब्ल्यू की लोकेशन देखते हैं। तो यदि मैं W की लोकेशन देख रहा हूं तो W एक बॉक्स, दो बॉक्स Y, एबव Y लिखना पॉसिबल नहीं है फर्स्ट कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पार्ट में W से। यहां पे चलते पहले W एक बॉक्स दो बॉक्स, यहां पे लिखा Y, नेक्स्ट W एक बॉक्स दो बॉक्स, यहां पे लिखा आपने Y, W एक बॉक्स दो बॉक्स, यहां पे आप लिखेंगे Y। तो W और Y के मध्य कितने बॉक्स आ गए? दो। चलिए आगे की लाइन पढ़ता हूं, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यू एंड वी, U और V के मध्य केवल एक बॉक्स रखा हुआ है। तो U और V के मध्य केवल एक बॉक्स रखा हुआ, तो अभी आप जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी U और V के लिए प्लेस नहीं देख रहे। तो इन केस आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है अभी, तो उस पॉइंट को स्किप करेंगे, उसके ऊपर वेट करेंगे। तो यू और वाई के रिगार्डिंग अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स आपको कहा गया U और Y के बिटवीन एक बॉक्स रखा हुआ है, तो अभी U Y की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए कॉम्बिनेशन जहां बने वहां वेट करते, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पार्ट में मैं U और Y को सर्च करूं तो U को मैं 2 पे रख सकता हूं, एक बॉक्स, सॉरी U एंड Y के बिटवीन, सॉरी U एंड V के बिटवीन एक बॉक्स है, तो U एंड V के बिटवीन आपको एक बॉक्स चाहिए था, माफ कीजिएगा Y नहीं है, U एंड V। तो अगर मैं U और V के प्लेस सर्च करूं तो सेकेंड पे U आए, फोर्थ पे वी आ सकता है, या फिर रिवर्स करूं वी लिखूं ऊपर आपके पास यू आ सकता है, फिर मैं फाइव और सेवन पे भी यू वी को लिख सकता हूं, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कहने का मीनिंग यह है कि जब भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है उसके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, या फिर आप उस इंफॉर्मेशन के प्लेस डेफिनेट नहीं कर पाए तो उसको स्किप कीजिए। तो यू एंड वी के बिटवीन एक बॉक्स रखना है, तो यू एंड वी इनके बिटवीन आपको एक बॉक्स चाहिए, तो आपने लिखा U और V के मध्य एक बॉक्स है, ये पॉइंट आपने स्किप कर दिया। क्लियर? अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन आपने पढ़ी, U इज कैप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव V, U V के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा हुआ है। मींस आप जो पैटर्न देखेंगे, U आएगा, एक बॉक्स आएगा, देन आफ्टर आपके पास V आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को कट कर दूं, आपका जो रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन बना U एक बॉक्स देन आफ्टर V को लिखना होगा। चलिए अगली लाइन पढ़ता हूं, U इज नॉट द टॉप मोस्ट बॉक्स, U आपका टॉप मोस्ट बॉक्स नहीं है, मींस U ने क्लियरली कहा कि मैं नंबर सेवन पोजिशन पर नहीं आऊंगा। इफ आपके पास U टॉप मोस्ट पोजिशन पर नहीं आएगा, इट मींस U को यहां आप नहीं देखेंगे, एज वेल एज U यहां पर भी कनेक्ट नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यू आई नहीं सकता बिकॉज डब्ल्यू आर टी है। अब जैसे यू ने अपने बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, तो जो पॉइंट आपने स्किप किया उसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आप उस पॉइंट को एक बार टेबल में कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। इफ यू एंड वी के रिगार्डिंग मोर देन टू प्लेसेस होंगे तब मैं यू और वी को स्किप करूंगा, अन्यथा मैं यू और वी को कनेक्ट कर दूंगा। तो अप टू टू प्लेसेस कोई पर्सन की इंफॉर्मेशन है तो टेबल में कनेक्ट कीजिए, अन्यथा स्किप कीजिए। तो यू और वी के मध्य एक बॉक्स रखना है, तो यू को टू पे रखूं, सॉरी वी को टू पे रखता हूं, एक बॉक्स, फोर पे यू आ जाएगा। मैं वी को फोर पे रखूं, एक बॉक्स छोड़ के यू के लिए प्लेस नहीं है, वी को फाइव पे रखता हूं तो एक बॉक्स छोड़ के यू टॉप पे जाएगा, बट उसके लिए टॉप मोस्ट पोजिशन मना की गई है क्वेश्चन में, तो आप एक ही प्लेस देख पा रहे हैं, यहां पर यू आएगा, इस प्लेस पे वी आएगा। पैरेलल आप फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखिए, वी रखता हूं टू पे, यू के लिए पोजिशन नहीं है, वी को रखता हूं थ्री पे, यू आ जाएगा फाइव पे, लोकेशन अवेलेबल है। इफ मैं वी को रखता हूं फाइव पे तो सेवन पे यू पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास यहां पे भी एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, यहां पे वी रखेंगे, यहां पे आप यू रखेंगे। क्लियर? सेम अब सेकेंड कॉम्बिनेशन में देखिए, वी को इफ वन पे रखू, यू आपके पास थ्री पे आ जाएगा, इफ मैं वी को थ्री पे रखता हूं, यू आपका फाइव पे कनेक्ट होगा, और इसके एक्सेप्ट वी और यू को पॉसिबल नहीं है कि वी अगर आप फाइव पे रखते यू के लिए जगह नहीं, मीन्स यहां पे वी और यू आपको दो प्लेस दे रहा है। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप कुछ इस प्रकार से लिखे कि वी स्टार यू, स्टार आपको ये मार्क करेगा कि अभी वी की लोकेशन फिक्स नहीं है, या फिर आप दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर इस लोकेशन पे वी और यहां पर यू रखेंगे। क्लियर? तो वी और यू लिखे, स्टार बना दें, एक तरीका तो ये, या फिर आप टेम्परेरी बेसिस पे अपने माइंड में
स्टोरेज रखिए कि वी और यू अभी सेकेंड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं हुआ है। अगली लाइन पढ़ता हूं, यू इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव वाई, यू वाई के ठीक ऊपर नहीं है। तो यू वाई के ठीक ऊपर नहीं है, तो मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूं तो यू तो वाई के ठीक ऊपर है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन के सेकेंड पार्ट में गया तो यहां पर भी वाई के ठीक ऊपर यू है, बट क्वेश्चन ने कहा यू वाई के ठीक ऊपर नहीं, मीन्स आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट कट हो गया। ठीक, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट कट क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट कॉम्बिनेशन के दोनों पार्ट में आप वाई के ठीक ऊपर यू देख रहे हैं और क्वेश्चन ने कहा वाई के ठीक ऊपर यू नहीं है। आते चलिए सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आपने वी और यू के रिगार्डिंग दो प्लेस देखे थे, नंबर वन वी यहां था, यू यहां था। सेकेंडली मैंने मार्क करवाया था कि यहां पे वी आता है तो यहां पे यू आएगा, बट अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि वाई के ठीक ऊपर यू नहीं है, मीन्स यहां पे यू नहीं लेंगे, तो आपके पास यू और वी को लेके एक ही प्लेस होगा, तो मैं यहां पे यू और वी के प्लेस को कनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए U और V के लिए आपके पास यहां पे आप लिखेंगे U, यहां पे लिखेंगे V, और इस प्लेस पे तो हमारे पास T था। नेक्स्ट यहां चलते U और V के लिए प्लेस देखना है, V लिखता हूं 1 पे, U आ जाएगा 3 पे, V को अगर 3 पे लिखता हूं U 5 पे पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑलरेडी Y है, V को इफ मैं 4 पे लिखता हूं तो U 6 पे जाएगा, बट अगर U 6 पे ला रहे हो तो Y के इमीडिएटली अब होगा, क्वेश्चन ने क्लियरली डिनाई किया, मना किया है कि Y के ठीक ऊपर U नहीं चाहिए, तो आपके पास एक ही प्लेस होगा, यहां पे आप U लिखेंगे, यहां पे V लिखेंगे। तो अभी आपके पास सेकेंड कॉम्बिनेशन की दोनों पार्ट वैलिड है, करेक्ट है। अगली लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन T एंड V एज सेम एज दैट बिटवीन W एंड S, मीन्स T और V के मध्य जितने बॉक्स हैं उतने ही W और S के मध्य होने चाहिए, तो T और V के मध्य जितने बॉक्स हैं, ये लाइन आपकी कनेक्ट हो चुकी है, तो आप एग्जाम में है तो शॉर्ट में लिख ले कुछ इस प्रकार से कि T एंड V के बिटवीन जितने बॉक्सेस हैं एग्जैक्टली उतने ही बॉक्सेस आपको W और S के मध्य चाहिए, तो आपने लिखा उतने ही बॉक्स से डब्ल्यू एस के मदद चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं, डब्ल्यू एस के बिटवीन चाहिए बॉक्स। ठीक, चलो टी और वी को वॉच कर रहा हूं, मैं अगर सेकेंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूं तो मेरे पास टी और वी के बिटवीन कोई बॉक्स नहीं है, तो मेरे पास डब्ल्यू एस के बिटवीन भी कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए, तो डब्ल्यू टॉप पे, तो यहां पर लिखूंगा एस। नेक्स्ट देख रहा हूं टी और वी के मध्य यहां पर आपके पास 2, 2, 6 टोटल बॉक्स रखे हुए, तो काउंट कर लेते टी और वी के बिटवीन बॉक्स 1, 2, 3, 4 और 5, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन के सेकेंड पार्ट में टी और वी के बिटवीन 5 बॉक्स है। यदि सेकेंड कॉम्बिनेशन के सेकेंड पार्ट में टी और वी के मध्य 5 बॉक्स है तो प्रश्न के अनुसार डब्ल्यू एस के मध्य भी 5 बॉक्स चाहिए, लेकिन आप डब्ल्यू और एस के लिए दो ही लोकेशन देख पा रहे हैं कि ये आपके पास डब्ल्यू है, एस को यहां रखता हूं तो एक बॉक्स आएगा, एस को यहां रखता हूं तो आपके पास डब्ल्यू एस के मध्य 3 बॉक्स आएंगे, तो आपको डब्ल्यू और एस के मध्य जितने बॉक्स हैं एग्जैक्टली उतने ही बॉक्स टी और वी के मध्य रखने, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मीन सेकेंड का आपके पास सेकेंड पार्ट भी कनेक्ट नहीं होगा, ये पार्ट कट हुआ, आपके पास एक कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। और जनरली इस तरह के प्रश्नों में आप जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लास्ट में जाके एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एक ही कॉम्बिनेशन है आपके पास, ऐसा मत कर देना कि आपके सारे कॉम्बिनेशन कट हो जाए, क्लियर। तो केयरफुली बॉक्स पजल को सॉल्व करना होता है और मैं इसके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने की यथासंभव कोशिश करूंगा। तो आपके पास W S Y U T V आ गया, 6 बॉक्स आ गए, एक बॉक्स बचता है, एक ही स्थान बचता है, तो आपके पास जो S T U V W X Y में से बचा हुआ है वो देखिएगा, एस कॉपी कर चुके हैं, टी यू V और फिर उसके बाद आपके पास W X Y, तो आपके पास X नहीं आया अभी तक, तो यहां पे लिखेंगे X, तो आपके पास ये 7 बॉक्स एक स्टैक में रखे हुए थे, और किस प्रकार से आपको अप्रोच करना था क्वेश्चन वो आपने यहां पे सीखा। आपके क्वेश्चन में स्पीड तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको बॉक्स पजल के एक क्वेश्चन सीरीज में चला रहा हूं, सिटिंग एलिमेंट पजल, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं इस टाइप के डिस्कस करूंगा। चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।